ये बोला मुझे इतने रेट में नहीं देना है, तो उन्होंने खुन्नसबाजी में जाकर राइट हैंड जहर डालते हुए, हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज भी है। वाल्मीकि महाराज की जय। आपका जो निवेदन है, आप किसके ऊपर आरोप कर रहे हैं और क्या निवेदन में आपने प्रशासन को कहा है और आपको क्या इंसाफ चाहिए? कपिल नरसिंह सिंह जूनी एक सिकलगरी समाज का लड़का है, उसने मेरे 10 से 12 डुक्करों को जहर डाल के मार दिया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मेरे पास में है, पुलिस प्रोटेक्शन के पास में हमने पुलिस ने एक्शन वगैरह लिए, अभी तक उसको अटक वगैरह नहीं किया है। तो अभी समझो मेरी समाज मिलके मेरे साथ में भाई आंदोलन कर रही है एक, कि भाई हम समझो उस पर जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए, जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त उस पर सज़ा की जाए उसके ऊपर। मैं गरीब हूँ। किसको ले जा करके दिया है और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? नाम बताइए। जो के नाम है उसका दड़वी, दड़वी साहब के पास में हम तकरार लेके गए, उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया, एप्लीकेशन लेकर हम तकरार उन्होंने अभी तक दाखिल नहीं है ना, तकरार एप्लीकेशन लेके गए और दाखिल भी किए। उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में उनके डीबी इंचार्ज वगैरह, डीबी की जो टीम थी उनके घर पर भेजे, आरोपी घर पर नहीं है। पुलिस प्रोटेक्शन पूरा सहयोग हमारे साथ में है, हमारी प्रशासन से सभी से माननीय जितने भी है वरिष्ठ पुलिस प्रोटेक्शन जितने भी हमें चाहिए, प्लीज़ हमारी विनंती है उस इंसान को, के नाम है उसका कपिल नरसिंह सिंह जूनी, कपिल सिंह नरसिंह जूनी, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या वजह है, क्यों जहर दिया उन्होंने? वजह हम वरा पालन करते, हमारा वरा पालन है, हम उसके ऊपर ही हमारा सब कुछ चलता है, साफ सफाई के ऊपर और वरा पालन के ऊपर। हम वाल्मीकि समाज के मजदूर है, हम साफ सफाई करते और उसके वजह से, और जो गंदगी का काम करते और वो वरा पालन से ही हमारा घरदार सब चलता है। उन्होंने हमें आकर एक निवेदन मेरे भतीजे को दिए कि भाई ये जानवर मेरे को इतने रेट में दे दो, तो रेट का कम ज़्यादा सौदा हुआ तो उज्जत हो गई। ये बोला मुझे इतने रेट में नहीं देना है, तो उन्होंने खुन्नसबाजी में जाकर राइट हैंड जहर डालते हुए, हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज भी है, सभी चीज़ अवेलेबल है हमारे पास में। वो सीसीटीवी फुटेज है, सब अवेलेबल है, जानवर का मुंह खुल के देखा, उसके मुंह में बाजरी के आटा लगा हुआ था, थायमेट का बास आ रहा है। हाँ, पुलिस वालों ने भी हमारी मदद कर, हम आरोपी को जरूर उठा के लाएंगे, गुनाह भी दाखिल करेंगे, हर चीज करेंगे। पुलिस विधान नगर स्टेशन PI का तो आई एम सॉरी पता नहीं, लेकिन जो तपासी कमलदार है वो तड़वी साहब है, उन्होंने भी हमारे तड़वी साहब है, उन्होंने भी हमारी अच्छे से मदद करे। नाम, मेरा नाम विकास सुबे सिंह लाहौट, ये विधान नगर MADC एरिया में ये घटना हुई है, रुद्रानी कंस्ट्रक्शन के सामने।